आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। फ्रेंड्स, तो हमारा क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डी ब्लॉक आयन शोज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक मोमेंट। बेसिकली बोहर्स मोमेंट की बात करी गई है। ओके, तो बोहर्स मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारा, वो हमें पता होना चाहिए, होता है मैग्नेटिक मोमेंट इक्वल टू अंडर रूट एन इंटू एन प्लस टू बी एम, दैट इज बोहर मैग्नेटॉन। ओके, देन अब अगर हम देखें, हेयर एन इज द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन द रिस्पेक्टिव मेटल। ओके, अब बेसिकली हम देखें तो अगर हमें मैक्सिमम वैल्यू तो देखनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू उसी की होगी जिसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड हमारे इलेक्ट्रॉन्स हों। ओके, तो बेसिकली अब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स देखनी है, तो हम सबसे पहले इनकी हमारी जो है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देख लेते हैं। अब एक और चीज़ जो देखने वाली है वो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में है, वो है ये सारे ही 3D सीरीज़ के हैं। ओके, तो इनकी कन्फिग्रेशन जो होगी वो 3DX4S2 काइंड ऑफ होगी। ओके, बेसिकली यहाँ कन्फिग्रेशन होगी आगे भी 3DX4S2। अब सभी प्लस टू ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो ये जो फोर जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से ही सबसे पहले हमारे इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे 4s0 यानी कि 4s ये जो s2 है इससे निकलेंगे, तो बेसिकली जो ये आयन्स होंगे इनकी कन्फिग्रेशन 3DX4S0 काइंड ऑफ हो जाएगी। ओके, ये हमें क्लियर है यहाँ तक। ओके, अब हम आएँ तो हम बेसिकली एटॉमिक नंबर्स पे ध्यान पड़ेगा हमें। ओके, तो Mn का जो हमें एटॉमिक नंबर है वो हमें पता है 25 है। ओके, और इसकी कॉन्फ़िगरेशन हम जानते हैं कि 3DX4S0 के अकॉर्डिंग यहाँ पे 4s यानी कि 18 तक तो ठीक है, 4s यानी कि 20। ओके, देन 3DX दैट इज़ इसकी कॉन्फ़िगरेशन होगी 3D5। ओके, 3D5 4S0 यहाँ तक हम लिख लेते हैं। ओके, देन अगर Fe का एटॉमिक नंबर जो है वो होता है 26। ओके, तो इसकी हो जाएगी 3D6 4S0। ओके, ये भी क्लियर है। ओके, तो इन दोनों की कन्फिग्रेशन तो हमें, देन हम आते हैं कोबाल्ट पे। तो कोबाल्ट का हमारा जो एटॉमिक नंबर है वो हमें पता होता है 27। ओके, तो कोबाल्ट की हो जाएगी 3D7 4S0। देन हम आए निकल पे, तो निकल का होता है 28, तो इसकी हो जाएगी 3D8 4S0। ओके, तो ये हो गई हमारी कन्फिग्रेशन। अब अगर हम हमारा जो है बेसिकली नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए ऑर्बिटल्स फिल कर लेते हैं, तो बेसिकली क्योंकि s तो खाली ही है तो हमें d ऑर्बिटल्स को ही फिल करना है यहाँ पे। तो 1 2 3 4 5। ओके, 5 है, हंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी को मीन्स फॉलो करेंगे, तो 1 2 3 4 5 फाइव अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए। तो बेसिकली ये तो मैक्सिमम ही आ गए पहले ही केस में, लेकिन फिर भी हम बाकियों की भी देखेंगे। तो 1 2 3 4 5। ओके, इस केस में 1 2 3 4 5 6 फोर नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मिले। ओके, देन हम इस केस में आ जाते हैं 4 5 3D7 1 2 3 4 5 6 7 थ्री अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, देन हम निकल कर देख लें 1 2 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8 दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इस केस में है, तो मैग्नेटिक मोमेंट भी इस केस में ही मैक्सिमम होगा, और वो होगा हमारा इक्वल टू 5 × 7 दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 35 बोहर मैग्नेटॉन। ओके, थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट IIT JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400400400 पर।